नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आज की नई और ताजा खबरों की ओर। एसडीएम ने किया खाद की दुकानों का निरीक्षण, मेसर्स नरेश आसटकर कृषि केंद्र पर की कार्यवाही। क्षेत्र में उर्वरकों की आपूर्ति और निगरानी को लेकर शुक्रवार 9 जून को एसडीएम प्रदीप कौरव ने लांजू क्षेत्र के कृषि केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान खाद विक्रेताओं को POS मशीन से ही खाद बिक्री करने के निर्देश दिए। एसडीएम श्री कौरव शुक्रवार की सुबह सर्वप्रथम साले टेकरी रोड स्थित मेसर्स नरेश आसटकर के प्रतिष्ठान यूनिवर्सल कृषि केंद्र पर पहुंचे और दुकान मालिक से खाद की उपलब्धता की विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान दुकान का निरीक्षण करने पर 25 बोरी DAP की POS मशीन के रिकॉर्ड से अधिक पाई गई, जिस पर उनके खिलाफ विक्रय प्रतिबंध की कार्यवाही की गई। बता दें कि जिले में DAP खाद को लेकर काफी मारामारी है। लोग सुबह से लेकर शाम तक लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए लांजी SDM प्रदीप कौरव ने बताया कि कलेक्टर महोदय द्वारा TL बैठक में दिए गए निर्देश के पालन में आज अनुविभागीय अधिकारी कृषि, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी एवं REAS सहित अमले के साथ लांजी क्षेत्र के यूनिवर्सल कृषि सेवा केंद्र का आकस्मिक जांच की गई, जिसमें ऑफलाइन उनके पास जो गोदाम में माल था यूरिया और DAP व POS मशीन के अनुसार नहीं था, जिसमें यूरिया की मात्रा तो सही पाई गई परंतु DAP की 25 बोरियां अधिक पाई गई, जिसके आधार पर उनके भविष्य में बिक्री में रोक लगाई गई और पंचनामा प्रतिवेदन बनाकर कलेक्टर बालाघाट को आगे की कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है। श्री कौरव जी ने कहा कि क्षेत्र की इस तरह कार्यवाही और आकस्मिक निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे। MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। सर, जैसे कि आज आपने खाद्य दुकानों का निरीक्षण किया है, तो क्या कार्रवाई की है सर आज? कलेक्टर महोदय द्वारा TL में दिए गए निर्देश के पालन में आज अनुविभागीय अधिकारी कृषि, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी एवं REO वगैरह को बुला के आज लांजी क्षेत्र की एक यूनिवर्सल कृषि सेवा केंद्र, जी सर, उस पर आकस्मिक रूप से जांच की गई। जांच करने पर ये पाया गया कि ऑफलाइन जो उनके पास गोदाम में माल था यूरिया और DAP और POS मशीन के माध्यम से जो उनका स्टाक था और वितरण था, जी सर, उसका जब टैली किया गया आपस में बिल बुक के आधार पर सब पर, यूरिया की मात्रा तो पूरी पाई गई परंतु DAP की जो मात्रा थी वो 24 बोरी उनकी कम पाई गई, जिसके आधार पर उनको तत्काल भविष्य में बिक्री पर रोक लगा दी गई है और पूरा पंचनामा प्रतिवेदन बनाकर कलेक्टर साहब को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया है। जी सर, तो आगे और कोई ये कार्रवाई जारी रहेगी सर? बिल्कुल, आप चूंकि आज एक जगह कार्रवाई की तो बाकी दुकानें बंद हो गई थी, जी सर, इसलिए इसको फिर से रैंडमली कार्रवाई करके और पूरा जाँच की जाएगी। ठीक है सर, मिलते हैं अगली बार नई और ताजा खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस में। तब तक के लिए नमस्कार।